आज कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त लगा दी है और अंजुमन इंतजामिया ने एक एप्लीकेशन दी थी कि सर्वे की जो कॉस्ट है वो जमा करी जाए, उसका हमने जवाब दे दिया है, दाखिल कर दिया है, उसकी भी सुनवाई 22 अगस्त को होगी। राखी सिंह की तरफ से भी एक एप्लीकेशन दी गई है उस एरिया को सील कराने की, उसकी कॉपी आज हमें रिसीव कराई गई है, उसकी भी सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तो अब हमने अपना जवाब दे दिया है और हमारा ये कहना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये गलत है, इसको खारिज करना चाहिए और ये ऑलरेडी बात हाईकोर्ट में कही जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में कही जा चुकी है और जब सुप्रीम कोर्ट से इसमें फाइनल निर्णय हो गया है तो अब वापस वो बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहना लीगली परमिसिबल नहीं है। देखिए, हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि मैं हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, हमारी जो चार वादनी महिलाएं हैं, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और भी जो अन्य हमारे क्लाइंट हैं, हम लोग कोई बातचीत की टेबल पे नहीं बैठेंगे, ना कोई समझौते की इस मुद्दे पे बात करेंगे। समझौता देवता की संपत्ति के साथ नहीं हो सकता है और ये समझौते की बात सिर्फ एक सगुफा है और इसका कोई भी इसका लीगल बेसिस नहीं है। CPC में ऑर्डर 23 में समझौता परमिसिबल नहीं है, इसलिए समझौते की बात में हम नहीं बैठेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, समझौता तब होता है जब आप कुछ देना चाहते हैं और दूसरा आदमी कुछ छोड़ना चाहता है। जो बैरिकेडिंग के अंदर का परिसर है उसका एक इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक हम मानते हैं और भी जो लिटिगेशन चल रहा है, चाहे वो भोजशाला का हो, अलग अलग जगह पे हो जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, वो लिटिगेशन चलता रहेगा। तो ये सारी समझौते की बात हो ही नहीं सकती है। राम मंदिर के समय भी समझौते में हम लोग थे, हमने देखा है कि वो समझौता फेल हुआ था और वहाँ पे जो बातें आई थी वो कभी भी किसी सनातनी को मान्य नहीं हो सकती हैं, इसलिए इस समझौते का भी हम ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना ये समझौता लीगली वैलिड हो सकता है। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, राजी होने की एक ही शर्त है कि वो वहाँ का हमें पीसफुल पोजीशन दे दें और जो 350 साल तक मंदिर को गलत ढंग से मस्जिद के रूप में उपयोग किया है उसकी माफ़ी मांगे। अगर ये समझौते का है मूल कारण तो हम देखेंगे उसमें क्या करना। आप लोग की एक दरखास्त थी, याचिका थी कि SI सर्वे जो है वो नियम कानून के विरुद्ध तरीके से हो रहा है, उसके क्या हुआ? उसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, वो ऑर्डर अभी रिजर्व है और उसमें एप्लीकेशन उन लोगों ने ऑब्जेक्शन दे दिया है, रिजमाइंडर भी दे दिया गया है, अब इसके फाइनल बहस मंगलवार को होगी। ठीक है, सारी कॉपी आज सारी पार्टियों को रिसीव? हाँ, सारी कॉपी आज रिसीव करा दी गई है, अब मंगलवार को सब पर। क्या आप लोग की वो क्या अपील थी, क्या याचिका थी इसके तहत? नहीं, याचिका हमारी ये थी, जो सर्वे कमीशन जो हुआ है वो विधिक कानून के विपरीत है और हमको सर्वे कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया था और ना हमको कोई इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उसका एप्लीकेशन में दिया है कि और विधा के खिलाफ जो कमीशन सर्वे कमीशन की जो कार्रवाई होती है उसकी फीस जमा की जाती है, वो फीस नहीं जमा हुई है, उस पर हमने एप्लीकेशन दिया। रोक लगाने की मांग किया था? नहीं, रोक लगाने की नहीं, क्या कहो, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से काम होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।